Hello, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take another series examples related to character format. अभी तक जो हमने सीरीज बनाई वो मैंने कुछ नंबर्स को लेकर बनाई थी. कई बार कुछ करेक्टर फॉर्मेट के ऊपर भी सीरीज जनरेट होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर फॉर्मेट. हमने यहाँ पर अपना ये लिया आईओ स्ट्रीम. उसके बाद हमने यहाँ पर यूज कर दी कॉन्यो डॉट एच. यहाँ पर क्लास ले ली सीरीज ले, ठीक है. यहाँ पर करेक्टर लिया ए, मैं बी बी ले लेता हूँ, हो सकता है जरूरत पड़ जाए. मैंने पब्लिक लिया वाइड, यहाँ पर शो किया. अब इस जगह के ऊपर आपने क्या किया वाइड, मैंने सीरीज लिया और सीरीज के अंदर हमने यहाँ पर अपने शो को कॉल कर दिया. अब शो को तो कॉल कर दिया हमने, अब मुझे क्या चाहिए. मैंने फोर लगाया, ए इज इक्वल टू, हमने शुरू किया स्मॉल ए से राइट. ए इज लेस देन इक्वल टू है, मैं इसको जेड तक लेके चलता हूँ. ए में प्लस प्लस किया राइट. अब आपने क्या किया, सी आउट न्यू लाइन में हमने यहां पर ए को प्रिंट किया. ये फोर बंद, ये दिस वन. अब इस जगह के ऊपर हमने यहां पे कर दिया वाइड, मेन किया, शो किया. अब मुझे क्या चाहिए था, मेरे यहां पर जो क्लास थी वो सीरीज थी. ऑब्जेक्ट मैंने पी बनाया, यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर पी डॉट शो को कॉल किया, यहाँ पर अपना गेट सी एच और बंद किया कंट्रोल एफ नहीं. आप कहेंगे इसमें नया बात क्या हुई, मेरा क्योंकि ए है इसको हम टैब में दे देते हैं. मैंने यहाँ पर टैब दिया कंट्रोल एफ नहीं राइट. अगर आप पहले स्पेस नहीं चाहते तो टैब यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर आप बैक स्लैश टी लगा दीजिए बाद में. अब मुझे क्या चाहिए, देखिए इस जगह के ऊपर मैं दोनों एबीसी प्रिंट करना चाहता हूँ एक साथ एक ही जगह पर, तो ठीक है. हमने यहाँ पे क्या किया, कोमा लगाया, यहाँ पर B ले लिया और B की वैल्यू हमने यहाँ से शुरू करी है और कोमा सी प्लस प्लस. यहाँ पर हमने टैब नहीं देंगे, इसके साथ हम क्या करें, कौन सा साइन लगा, हमने कोमा लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया B और उसके बाद बैक स्लैश T कंट्रोल F9 कंट्रोल. ये लीजिए आपकी दोनों ए बी सी डी एक साथ जनरेट हो गई राइट. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और चाहता हूँ और वो चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं इसकी अस्काई वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, यस यस करेक्टर ए की, अगर हम इस जगह के ऊपर करेक्टर ए की अस्काई वैल्यू को जनरेट करना चाहते हैं तो बीच के अंदर ये आपका लगाने की जरूरत नहीं, या फिर लगाना है तो आप दोनों कर सकते हैं या फिर एक. मैं आपको एक भी करके दिखाता हूँ दोनों भी. हमने यहाँ पे क्या किया, कोमा नहीं लगाया, मैंने इक्वल टू लगाया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए था, इंटीजर में कन्वर्ट करना है किसको, ए को राइट. इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कोमा लगाऊंगा, फिर आपके पास बी आ गया और बी की भी अगर आपको स्काई वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने क्या किया, ब्रैकेट शुरू इंटीजर बी, ये डबल कोट्स कहाँ से आ गए, इसको हटाइए और यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए. चेक करें, मैंने कंट्रोल एफ नाइन, ये देखिए
आपके पास आ गए। अब वहाँ पे एक ही हिसाब, एक ही बाप आपने इक्वल टू नहीं दिया, आप दे सकते हैं। देखिए कहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ जगह आपको। देखिए जहाँ पर कैपिटल है आपने प्रिंट किया, यानी कि वो कौन प्रिंट कर रहा है, बी। बी के बाद आपको इस जगह के ऊपर डबल कोट्स इक्वल टू आप ऐसे कर दीजिए ताकि वो थोड़ा सा क्लियर और हो जाए, ये लीजिए। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन वाले सीरीज को जनरेट किया, जो ये 97 और 97 और जो 65 दिया है, दीज आर द स्काई वैल्यू। जो स्मॉल ए है उसकी स्काई वैल्यू 97 होती है, और कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। मैं इसके एक दो फॉर्मेट्स और हैं, मैं वन बाय वन वो भी लेके चलूँगा। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।